हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए E-310 एनर्जी मैनेजमेंट का पेपर कंप्लीट हुआ है, तो इसका जो पेपर पैटर्न आया है वो डिप्लोमा लेवल के हिसाब से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, थोड़ा सा लेवल हाई है। हम अगर MCQ की बात करें, फिर भी मैंने बहुत सारे नेट से और बुक से इसका आंसर निकालने की कोशिश की है। इसमें मेरा ऐसा अनुमान है कि सारे आंसर सही हैं, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अधिकतम मांग शुल्क आधारित किस पे होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, KVA होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकीकृत ऊर्जा नीति द्वारा किस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता है? ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान और विकास, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक मानक है? इसका ऑप्शन डी ISO 50001 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऊर्जा खपत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा की जाती है लेकिन विभिन्न अनुपात में होती है, तो भारत में कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ये आपका ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल, सबसे ज़्यादा बिजली की खपत करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड साइड मैनेजमेंट का उपाय नहीं है? ये आपका है जीवाश्म ईंधन आधारित अधिकतम ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं या संग्रहित होते हुए क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन बी प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अटूट ऊर्जा स्रोतों के रूप में माना जाता है, अटूट ऊर्जा स्रोतों के रूप में माना जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। विश्व तेल भंडार खत्म होने का अनुमान ऑप्शन ए 45 साल है। भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत ए ऑप्शन अगेन विश्व की 1/29 है प्राथमिक ऊर्जा खपत, तो 8वें का और 9वें का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा खपत प्रति इकाई सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? वो एनर्जी इंटेंसिटी कहलाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वो ज्वार ऊर्जा से, यानी टाइडल एनर्जी से, हाई टाइड्स एनर्जी से मिलती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लक्स मीटर को किसको मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? वो है आपका ऑप्शन ए इल्यूमिनेशन लेवल, यानी रोशनी स्तर मेजर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुसार ऊर्जा लेखा की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी है इवोल्यूशन ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शन ये फंक्शन नहीं करता है, कौन एनर्जी ऑडिट वाले नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 का एक सवाल है कि एक वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम के लिए निवेश के लिए 50 लाख रुपये और हर साल 2 लाख रुपये संचालन और रखरखाव, यानी कुल 52 लाख रुपये टोटल खर्च करनी है। अगर सालाना बचत 22 लाख रुपये की है तो लौटाने की अवधि क्या होगी? तो देखिए, इसमें 22 लाख बच रहे हैं, तो 22 लाख 1 साल के, 22 लाख 2 साल के और 22 लाख 3 साल के, यानी कि 66 है, लेकिन यहाँ पर टोटल 52 लाख हो रहे हैं, तो यहाँ लगभग आपका 2.5 साल 2.5 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी एक सवाल है, यदि एयर कंडीशनर कंप्रेसर द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति 1.7 किलोवाट प्रति टन रेफ्रिजरेशन है, तो इसकी ऊर्जा दक्षता अनुपात कितनी होगी? इसमें जो इसका पावर कंज्यूम्ड अपॉन कितने टन का है उसको डिवाइड करोगे, तो 1.7 है, तो 1.7 इसकी एफिशिएंसी होगी। थोड़ा सा डाउट रहता है 2.1 का, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन 1.7 है, इसमें किलोवाट पर टन जो है उसी को एफिशिएंसी कहते हैं, इसलिए 1.7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बल्ब द्वारा उत्सर्जित चमकदार प्रवाह द्वारा और बल्ब द्वारा खपत शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? ये लुमिनियस एफिकेसी कहलाता है, ऑप्शन बी सोल्वे का सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर रिसीवर के संबंध में गलत है? एयर रिसीवर के संबंध में गलत जो है वो ऑप्शन सी देख लीजिए, इट इंक्रीज कंप्रेसर एफिशिएंसी, इसमें फॉल्स है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग में किए जाने वाले भवन को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का पालन करने की आवश्यकता होती है यदि, तो इसमें ऑप्शन डी देखिए, कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट होना चाहिए और आपका मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो है वो आपका होना चाहिए 600 KVA का, तो ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नामित उपभोक्ता को अनिवार्य ऊर्जा लेखा आयोजित करना आवश्यक है,
ये किसके द्वारा किया जाता है? ये ऑप्शन बी 100% सही है, मैंने नेट पे देखा है, बाय सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईई? बीई जो है वो ऑप्शन बी सही है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की क्या विशेषता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी करेक्ट है, सभी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है कि कई बीई की स्थापना भी उसी दौरान हुई थी और स्पेसिफाई एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड भी हुई, इसलिए थोड़ा सा इसमें डाउट है। मुझे लगता है कि डी ऑप्शन होना चाहिए, पर ज़्यादातर संभावना है जो बिल्डिंग कोड्स है वो आपकी बनी है, तो ये है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा है? 21वें क्वेश्चन का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ट्रांसमिशन इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस विथ, इसमें ऑप्शन बी, पावर फैक्टर भी बढ़ना चाहिए, वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये जो ऑप्शन डी है SF6, ये इसका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो 23 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम होगा? ये है उसका ऑप्शन, वैसे सारे ऑप्शन लगते हैं पर सबसे कम जो ऑप्शन है करेक्ट नहीं है वो है अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट पैटर्न, यानी ऑप्शन डी सही है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 5 से 26% तक होता है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ओजोन में कमी का क्या कारण है? ओजोन में कमी का जो कारण है वो है क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉइंग ओजोन मॉलिक्यूल्स, ओजोन अणुओं को नष्ट करने के लिए जो क्लोरीन परमाणु निकलती है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 में, ईंधन के दहन से निम्नलिखित घटकों के उत्सर्जन के कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो इसमें ऑप्शन ए SOx और NOx है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होने की संभावना रहती है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास की आधुनिक अवधारणा पर अधिक केंद्रित है? आपका क्वेश्चन नंबर 28 में आप ये देखिए, ऑल ऑफ द अबव है, तीनों के ऑप्शन सही है, तो ये 28 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन सी है, 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी, जब प्राकृतिक संसाधनों की खपत प्रकृति की भरपाई करने की क्षमता के बराबर हो जाता है तो ये स्थिरता कौन सी कहलाती है? ऑप्शन बी सही है, स्टडी स्टेट इकोनॉमी कहलाती है। तो इस तरह से मैंने नेट से, किताब से और इन सब से आंसर ढूंढने की कोशिश की है। मेरा ऐसा अनुमान है कि सारे आंसर सही है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं उसको क्लियर करके फिर अगेन अगर संभव हुआ तो संभावना हुई तो करेक्शन कर लेंगे। ऑल दी बेस्ट, आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए, अब आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे, उसकी तैयारी कीजिए और आगे पढ़ने का हमेशा सिस्टम रखिए। कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग जॉब करेंगे और कुछ लोग इंजीनियरिंग करने जाएंगे, तो आगे जो भी आप करें अच्छे मन से करें। ऑल दी बेस्ट, सुंदरम सर क्लासेस आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस प्रोवाइड करता है। थैंक यू, सेम टू यू।